लास्ट की क्लास में हमने पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब आज हम एक पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं और वो है टी रेशियो, यानी टी अनुपात। टी रेशियो हम तभी निकालते हैं जब दो सैंपल मीन के बीच के डिफरेंस को जानना हो कि क्या ये जो दो मीन है इन दोनों में जो अंतर है वो सार्थक है या संयोगवश है। जैसे मान लीजिए कि मैथ्स में जो मार्क्स आया है और हिस्ट्री में जो मार्क्स आया है उन दोनों के मीन में डिफरेंस है, तो क्या ये डिफरेंस वास्तविक है, यानी क्या बच्चे जो मैथ्स में अच्छे हैं वो दूसरे विषय में भी अच्छे हैं, या ये जो अंतर आया है वो संयोगवश आ गया। जब भी इसका हमको पता करना हो तब हम टी रेशियो या टी अनुपात को निकालते हैं। और टी अनुपात को जब आगे हम अभी निकालेंगे तो उसमें सार्थकता के स्तर की जांच की जाती है, यानी कि जो भी टी रेशियो आता है वो सार्थक है या नहीं, यानी कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इस सिग्निफिकेंट लेवल को जानना को हम दो स्तर पर जानते हैं, उसके दो स्तर होते हैं, एक है 0.05 लेवल और दूसरा है 0.01 लेवल। 0.05 लेवल पर यदि सार्थक आता है, जिसको मैथ के बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये 0.05 और 0.01 पर सार्थक आता है, तो यदि 0.05 पर सार्थक आता है इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों मीन के बीच में जो डिफरेंस है उसमें 95% ये वास्तविक है और 5% इसके संयोग होने की संभावना है दोनों माध्यम के बीच में डिफरेंस। उसी तरह से 0.01 लेवल पर यदि सार्थक आता है इसका मतलब ये होता है कि जो भी दोनों मीन के बीच में डिफरेंस आया है उसमें 99% उसके वास्तविक होने की संभावना है, यानी दोनों मीन में जो अंतर आया है वो वास्तव में अंतर है वो दोनों ग्रुप में या दोनों मीन में। केवल 1% की संभावना होती है कि वो संयोगवश रहता है। तो जब हम टी रेशियो पूरा निकाल लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये 0.05 लेवल पर कैसे होता है सार्थक और 0.01 लेवल पर कैसे सार्थक होता है। दूसरी बात ये है कि दूसरी एक इम्पोर्टेंट इसका जो हिस्सा है वो डीएफ होता है, यानी डीएफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो स्कोर जो होता है, स्कोर हम लोग मीन में पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े हैं, कई जगह पर हम लोग स्कोर पढ़े हैं कैसे मिनिमम स्कोर मैक्सिमम स्कोर रहता है, उसको हम लोग क्लास इंटरवल में बांटे हैं। तो वो जो टोटल स्कोर होता है यानी एक कक्षा में 50 या 60 बच्चों को आए हुए टोटल अंक को यहाँ पर हम स्कोर कहेंगे। तो वो जो स्कोर होता है वो बिल्कुल फ्री होता है एक दूसरे से। तो डीएफ की जो मात्रा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो निकाला जाता है कि कितना फ्रीडम है, कितना फ्री है, और इसको देखते हुए फिर हम उसके सार्थकता की जांच करते हैं। ये जो फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम या डीएफ जो हम निकालते हैं, ये डीएफ दो बातों पर निर्भर करती है। एक है नेचर ऑफ प्रॉब्लम, यानी जो हमारी समस्या है उसका स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, उस पर निर्भर करता है। और दूसरा है नंबर ऑफ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, कितनी रेस्ट्रिक्शंस, कितनी बाधाएं, कितनी शर्तें, कितने बंधन उस पर डाले गए हैं, उस पर निर्भर करता है। अब
पहला तो हुआ कि जब भी हम पी रेशियो निकालेंगे 2.05 पर या 0.1 पर सिग्निफिकेंट लेवल उसका हम देखेंगे। दूसरा उसके बाद उसमें हम डीएफ निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, और उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर ही उसकी सार्थकता के स्तर की जांच होगी। उसके बाद तीसरी बात ये है कि डी रेशियो में जब भी दो मीन होता है, जैसे मान लीजिए लड़कियों का मीन, लड़कियों का एन दो एन होता है, 30 है, और लड़कों का नंबर है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 40 है, तो जब भी दो एन होता है तब डीएफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। एन माइनस वन और एन माइनस एन टू माइनस वन, यानी पहला जो एन है और दूसरा जो एन है उनको माइनस करके प्लस करके आता है। जैसे मान लीजिए कि 20 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो 20 20 माइनस वन प्लस 30 माइनस वन इज इक्वल टू 19 प्लस 29 इक्वल टू, ये हमारा डीएफ हो जाएगा। अब जो ये डीएफ हम निकालने के लिए बता रहे हैं वो डीएफ अलग अलग स्टेटिस्टिक्स में अलग अलग ढंग से निकाला जाता है। जैसे कि जब कोरिलेशन काई स्क्वायर एनोवा वगैरह निकलता है तो सब में इसका जो डीएफ का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अलग अलग होता है। अब ये जो टी निकालना है इसमें हमने लास्ट क्लास में पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक पढ़ा था, और मैंने शुरू में ही कहा है कि टी रेशियो जो है वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के जो भी नियम होते हैं, जितने अजम्पशंस होते हैं, जितनी शर्तें होती हैं, वे सब यदि यूज होती हैं या इस्तेमाल होती हैं तब ही ये हम टी रेशियो निकालते हैं। उसमें जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और डाटा का जो वेरियंस है वो होमोजेनस होना चाहिए, तभी हम पी रेशियो निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें दूसरी बात, एक बात और समझने वाली बात है कि टी बहुत तरह से निकाला जाता है और बहुत सारे उसके फॉर्मूला होते हैं, जब इसीलिए जो हमारे पास सैंपल मीन है, जो भी सैंपल लिया गया उसका जो मीन निकला है उसकी कैटेगरी को हम अवश्य देखें। उस कैटेगरी को ध्यान में रखना है कि किस कैटेगरी का वो है, और उसके अनुसार मीन अलग अलग ढंग से निकलेगा। अभी जो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें असंबंधित और स्वतंत्र मीन के बीच का अंतर हम निकाल रहे हैं, और उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। अब इस फॉर्मूले में टी इज इक्वल टू एम वन डिफरेंस एम टू डिवाइडेड बाई ए सी टी, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है। अब इसको हम समझ लें कि इसका क्या अर्थ है और कैसे है। यहाँ पर देखिए हमने आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है टी का अर्थ होता है टी रेशियो,
यानी हम टी रेशियो निकालने जा रहे हैं। एन1 का मतलब होता है सैंपल वन का मीन, यानी फर्स्ट सैंपल। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये हमारा ये क्वेश्चन है और इसमें लड़कियों का जो एन है यानी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 40 है और टोटल नंबर ऑफ बॉय 60 है, उनका मीन 67-71 है और एस डी भी इसका निकाला हुआ है 7 और 10। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन दोनों माध्यों के बीच में जो अंतर है 67 है और 71 है, यानी लड़कियों का मीन 67 है और लड़कों का मीन 71 है, इन दोनों के मीन के बीच में जो अंतर आया है क्या वो वास्तव है या संयोग बस आया हुआ है, यानी लड़कों का मीन ज़्यादा आया है और लड़कियों का मीन कम आया है, तो क्या इसके बीच वास्तव में लड़कियाँ जिस भी क्लास का या जिस भी टेस्ट का ये डाटा है उसमें लड़कियों को कम नंबर आया, कम आया है एवरेज उसका मीन और लड़कों को ज़्यादा आया है, तो क्या लड़के ज़्यादा तेज हैं इस विषय में लड़कियों से, या मीन के बीच में जो डिफरेंस है वो वास्तविक है सही है या संजोग बस आ गया है। संजोग बस से मतलब है कि मान लीजिए कभी हम जो पढ़ कर गए वही आ गया, हम कम पढ़े बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ा लेकिन जिस पर फोकस किया वो एग्ज़ाम में नहीं आया, लेकिन हमने कम पढ़ा और वही आ गया एग्ज़ाम में, हमारा रिजल्ट अच्छा हो गया, इसको संजोग कहते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम टी रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर मीन 1 ये हो गया, मीन 2 ये हो गया और ऐसी टी फिर हमको निकालना है। एक बात इसमें इस फॉर्मूला में ध्यान देने वाली ये है कि ये जो रेखा आप देख रही हैं इसका मतलब माइनस नहीं होता है, इसका मतलब डिफरेंस होता है, यानी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यानी घटाने जब हम इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको या इसमें से इसको किसी को भी घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में हमको डिफरेंस निकालना है, ऐसा नहीं है कि M1 - M2 है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ये रेखा है ये दोनों में अंतर, दोनों मीन में क्या अंतर है, तो और ACT जो है ये दोनों मीन का जो SD है उसको निकालना है। अब इस फार्मूला में हम आते हैं, तो सबसे पहले M1 डिफरेंस M2 है, M1 डिफरेंस M2, 67 हमारा M1 है, 71 हमारा M2 है, दोनों का डिफरेंस हमने निकाला तो यहाँ पर आया 4। यानी ये हमारा बहुत आसानी से सरलता से निकल गया। अब मुझे ये निकालना है ACD का एक अलग फॉर्मूला होता है, वो है ACM1² + ACM2² तो रुको, अब हमारे पास ACM1 भी नहीं है, ACM2 भी नहीं है, ACM1 निकालना होगा, ACM2 निकालना होगा। ACM1 का फॉर्मूला है ST1/√N1। तो ST1 हमारा 7 है तो हमने यहाँ 7 लिखा, N पहले का हमारा 40 है यहाँ 40 लिखा और इसका 40 का स्क्वायर रूट निकालने पर 6.32 आया और इससे 7 को भाग देने पर 1.11 आया, यानी कि ACM1 हमारा ये 1.11 आया है। उसी प्रकार से ठीक हम ACM2 भी निकाल लेंगे, ACM2 को का फॉर्मूला जैसे ही ST1 का N1 था उसी तरह से ST2 और N2 है रूट ओवर, तो N2 का यहाँ पर हमारा 71 है जो है हमारा, दूसरा जो n है वो 60 है और जो ST है हमारा वो 10 है, तो ये 10/60 हो गया रूट ओवर, फिर 10 और इसका रूट ओवर जब निकालेंगे तो 7.7 हो आएगा। रूट ओवर निकालने के लिए मैंने ST के समय ही काफ़ी विस्तार से आप लोगों को बताया हुआ है और इससे इसको जब भाग देंगे तो 1.29 आएगा, यानी कि हमें दो मिल गए
एक ये और एक ये, एसी एम वन मिल गया हमें, एसी एम टू मिल गया। अब एसी डी हम निकालें, एसी डी का जो फॉर्मूला है उसमें एसी एम वन स्क्वायर एसी एम टू स्क्वायर प्लस, तो एसी एम वन हमारा 1.11 है, हमने यहाँ लिखा उसको, उसका स्क्वायर किया और प्लस करके एसी एम टू 1.29 है। अब इन दोनों को इतने से इतने ही को गुना करके इतना आया और 1.29 को गुना करके 1.16 आया, दोनों को जोड़ा गया और जोड़ करके स्क्वायर रूट निकाला गया, तो दोनों को जोड़ा गया और स्क्वायर रूट निकालने पर हमें ये अंक आया। यानी कि एसीडी हमारा ये कितना आया है। अब हमारे पास M1 माइनस M2, M1 डिफरेंस M2 है, SED है, दोनों है, तो अब इसकी फॉर्मूला पर हम इसको बिठा देंगे और ये चूंकि हमारा चार आया था M1 डिफरेंस M2 को, तो हमने यहाँ चार लिखा और 1.70 ये हमारा SED आया था, SED की जगह पर हमने इसे यहाँ लिखा और इससे भाग देने पर 2.35 आया। अब ये हमारा t निकल गया है, अब ये हमारा t निकल गया है। अब जो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, ये df बताया था और ये 0.05 0.01, अब मैं इसे आपको समझाऊंगी कि ये क्या है। अब ये हमारा t रेशियो निकल गया है, अब ये t रेशियो निकला है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये वास्तव में जो अंक निकला है वो वास्तव में सार्थक है या नहीं है। इसकी सार्थकता के स्तर को जांच करने के लिए टी रेशियो का एक टीएफ टेबल है जो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ टी टेबल लिखा हुआ है, टेबल ऑफ टी रेशियो। अब इस टी रेशियो में यहाँ टीएफ, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एग्जाम में या बुक में ये टेबल दिया रहेगा, ये मानक है, स्टैंडर्ड है, इसके अनुसार ही हमको डीएफ निकालना है। अब ये डीएफ है एक से लेकर के यहाँ देखिए 25, 26, 27 करके 1000 तक, 1000 तक का डीएफ यहाँ से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर नंबर आया है 2.35, ठीक है, डीएफ हम निकालेंगे। डीए पहले भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी दो एन होता है किसी भी सैंपल का, तो दो एन रहता है तो उसका फॉर्मूला एन वन माइनस वन प्लस एन वन माइनस टू, उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ बिठाया है। डीएफ इक्वल टू, चूँकि दो एन है, एक का 40 है और एक का एन जो है नंबर है वो 60 है, इसीलिए ये फॉर्मूला बैठेगा एन वन माइनस वन एंड प्लस एन वन एन टू माइनस वन। तो n1 हमारा 40 है, हमने यहाँ 40 लिखा माइनस वन, n2 60 है, यहाँ 60 माइनस वन लिखा, तो ये इन दोनों को माइनस करके 39 आया और इन दोनों को प्लस करके 98 आया। यानी कि df जो हमारा है वो 98 आया है। अब इस टेबल को आप यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये जो टी टेबल है उसमें डीएफ है, हमारा डीएफ कितना आया है 98 आया है, तो यहाँ से डीएफ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करते हुए हम 98 में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए 70 80 90 के बाद 100 है, 90 के बाद 91 92 93 ऐसा नहीं है, यानी 95 तक जो अंक रहेगा वो 90 वाले लेवल में गिना जाएगा। और चूँकि हमारा 98 है, 100 के करीब है, तो यहाँ पर हम इस रो में यहाँ पर ऐसे देखेंगे। अब आप देखिए ऊपर यहाँ लिखा हुआ है 0.05 और यहाँ लिखा हुआ है 0.01। अब हमें देखना है 0.05 छोटा होता है, 01 बड़ा होता है, इसलिए कि 0.05 में पहले ही मैंने आपको समझाया है कि इसमें 95%
वास्तविक डिफरेंस होने की संभावना होती है और 5% इसमें संयोग हो सकता है, लेकिन 0.01 में 99% वो सही होता है। दोनों मीन में जो अंतर डिफरेंस होता है वो वास्तविक होता है और 1% सिर्फ संयोग होने की संभावना रहती है, इसीलिए ये 0.01 बड़ा होता है या ये ज़्यादा। अब 100 पर हम इसको देखेंगे क्योंकि 98 100 के करीब है, तो इसमें देखिए 1.984, तो हमारा यहाँ जो पी रेशियो आया है ये 2.35 आया है, यानी कि इससे ज़्यादा है, 0.05 से ज़्यादा है। लेकिन 0.01 पर यदि हम जाते हैं तो 100 के आगे 2.626, तो हमारे पास 2.3 है, यानी यदि 2.6 होता या 2.6 से अधिक होता तब वो 0.01 लेवल पर सार्थक होता, लेकिन इस पर चूंकि नहीं है सार्थक, लेकिन 0.05 पर ये सार्थक है। यहाँ 100 में देखिए इसको 0.05 पर सार्थक होने के लिए 1.984 चाहिए, ये उससे ज़्यादा है हमारे पास 2.3, इसलिए हमारा जो इस तरह का टेबल आपको मिलेगा, आप बस इसे यूज़ करना सीख लेंगे कैसे डीएफ को कहाँ से जा करके और 0.05 या 0.01 पर इसको देखना है इसके सार्थकता के स्तर, कि ये 0.05 पर सार्थक है या 0.01 लेवल पर सार्थक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो टी आया है वो 0.01 पर 0.05 पर तो सार्थक है लेकिन 0.01 पर सार्थक नहीं है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। नीचे आप देखिए पी सार्थकता स्तर का को डिनोट करता है और ये एरो बताता है कि ये 0.05 लेवल पर सार्थक है, यानी कि ये जो दो मीन में डिफरेंस है ये सार्थक है। यदि हमारा टी 1 जो इसमें मैंने आपको दिखाया था कि यदि हमारा मीन 1.9 से भी कम होता, यदि हमारा मीन का सॉरी ये टी रेशियो यहाँ पर 0.05 पर 100 के इधर जाइए तो 1.98 दिया होता, तो यदि ये हमारा 1.98 से भी कम होता तब इसको हम कहते कि ये जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो सार्थक नहीं है, ये जो दोनों मीन में अंतर आया हुआ है ये संयोग बस है, लेकिन ये 0.05 लेवल पर सार्थक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेटा है और लड़कियों और लड़कों के मीन में जो डिफरेंस है वो वास्तव में डिफरेंस है दोनों ग्रुप में दोनों समूह। तो इस तरह से आज हमने जाना कि टी रेशियो जो एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने शोध कार्यों के दौरान। थैंक यू।